हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूं डिजाइन कैसे करते हैं। आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ यही रहती है कि टीचर्स ने, फैकल्टी ने अब प्रॉब्लम तो दे दी है, उसको सॉल्व कैसे करना है। अब उनका क्या होता है कि उन्होंने तो प्रॉब्लम दे दी है, नेक्स्ट डे उनको बस आउटपुट चाहिए होता है कि कुछ भी हो आउटपुट चाहिए। बट उनका कहना क्या है कि उनकी तरफ से, मतलब कि आपकी तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से क्या आउटपुट निकल रहा है, वो मेहनत क्या कर रहे हैं, तो वो इसलिए फोर्स डालते हैं। आपको करना कैसे, सबसे पहले तो कूल रखना है अपने माइंड को। कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, सपोज मॉल है, हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई नो दे आर वेरी हैवी, दे आर वेरी टफ। सो सबसे पहले हाइपर नहीं होना है, सिंपल एकदम कूल रहना है। और जैसे ही हमें टॉपिक मिलता है उसके बारे में सोचना है, दो मिनट बैठ करके सोचना है कि वो होता क्या है, माइंड में एक इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी। सपोज मुझे हॉस्पिटल मिला है, डिज़ाइन करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा हॉस्पिटल है होता कैसा है। अब मैं कभी ना कभी बचपन से लेके अब तक हॉस्पिटल में गया ही होगा, तो मैं बैठ करके सोचूंगा होता कैसा है, उसमें क्या क्या होता है। एक डॉक्टर बैठा होता है, उसके साथ नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, कुछ दवाइयाँ रखने की चीज़ें होती हैं, स्पेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हम माइंड में रिकॉल कर रहे हैं और सोच रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं। कैसा भी हो वो इमेज बनती जाती है। अब ज़रूरी नहीं वही आप अपने डिज़ाइन में डालोगे, बट उससे क्या है, आपको एक तरीका मिल जाएगा डिज़ाइन के ऊपर जाने का। तो जब आपने उसको सोचा इसके ऊपर, अब ज़रूरी नहीं मैंने हॉस्पिटल का एक सिर्फ एग्जांपल लिया है, एक विला मिल गया आपको डिज़ाइन करने के लिए, कॉटेज मिल गया डिज़ाइन करने के लिए, तो उसके बारे में पहले सोचना है कि होता क्या क्या है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है, अब आपको लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जितने भी उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सबको आपको पढ़ने हैं, उसका इन्फॉर्मेशन, उसकी इंट्रोडक्शन, उसका होता क्या है वो चीज़ पढ़ना है। पहले तो आपने खुद सोचा कि वो होता क्या है, सेकंड आपने बुक्स की हेल्प ली लाइब्रेरी से। अब उस उन बुक्स के जितने भी आप नोट्स बनाएंगे कि वो होता क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि कई बार क्या होता है कि हम डिज़ाइन कुछ भी बना देते हैं बट सोचते नहीं है, कभी भी समझते नहीं है, बाद में प्रॉब्लम्स क्या आती है, टीचर्स रिपीट दे रहा है, बार बार रिपीट्स कर रहे हो और आप परेशान हो गए, एग्जाम आ गए और आपका सबमिशन धरा का धरा रह गया। तो ये नहीं करना है, आपको बहुत कूलली नहीं करना है, लेकिन कंटिन्यू काम करना है। अब आप लाइब्रेरी से भी अपनी इन्फॉर्मेशन ले चुके हो सारी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है टीचर्स से क्वेश्चंस पुट अप करना। जो भी आप लाइब्रेरी से सीखा, लाइब्रेरी से नोट किया, उसमें हर क्वेश्चन में, हर एक लाइन में आपको वाई का एक मार्क करना है कि क्यों, ये क्यों होता है। तो ये क्यों का क्वेश्चन आपको टीचर से पूछना है कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों हुआ। अगर असल में क्या होता है, गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ रूल्स देती है कि हर चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए ये आपको रूल्स फॉलो करने हैं, तो ये रूल्स क्यों फॉलो करने हैं, हमें क्या रीज़न है, ये आप टीचर से पूछोगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका क्या है, आपको केस स्टडी करनी है। कोई भी एक प्रोजेक्ट लीजिए, लाइव प्रोजेक्ट। सपोज मुझे एक मॉल मिला, मुझे मॉल डिज़ाइन करना है, तो अब उस मॉल में को कैसे डिज़ाइन करूँगा, मुझे तो कुछ नहीं पता, आता नहीं, इतना बड़ा आर्किटेक्ट नहीं हूँ, तो मुझे सबसे पहले एक मॉल को लाइव एक मॉल लेना पड़ेगा, कोई से भी जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, एक मॉल लिया मैंने, उस मॉल को मैं केस स्टडी करनी है, सबसे पहले जाना है मुझे वहाँ जाकर के, देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। असल में क्या होता है कि आपको इजीली ऐसे नहीं जाने देंगे वहाँ पर, फोटोग्राफी नहीं करने देंगे, तो इसलिए सिर्फ नोट करना, आँखों में अपना कैमरा बनाना है और उसमें देखना है कि क्या क्या होता है, नोट करना है सारी चीज़ें। उसके बाद कॉलेज से एक बोनोफाइड बनवा करके वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जब आप लाइव प्रोजेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपका फिफ्थ स्टेप क्या है, घर पर आओ, उसके बाद स्केचेस बनाने स्टार्ट करो कि मैंने क्या क्या देखा, उसको स्केच को ड्रॉ करो कि मैंने ये देखा, ये होता है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक फॉर्म लेनी है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि आप कोई फॉर्म लोगे, कोई भी एक फॉर्म ली, उसके अंदर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पुट करनी है। अदरवाइज छोटा प्रोजेक्ट है, जैसे विलाज हो गया या फिर और कोई सा प्रोजेक्ट हो गया, तो उसको उसमें हम फॉर्म नहीं लेते हैं, उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्म लीजिए या फिर आपने रिक्वायरमेंट्स को लेकर के काम करिए। अब बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है तो हर कोई यही चाहता है कि मेरी कोई फॉर्म हो, अट्रैक्टिव फॉर्म हो। कोई भी कुछ लेता है, कुछ एरोप्लेन का फॉर्म ले लिया या कोई और अट्रैक्टिव फॉर्म लेना चाहता है। बट मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी फॉर्म ना लें जो कोई टिपिकल हो, क्योंकि आपका जो डिज़ाइन है ऊपर से एरोप्लेन से आकर के नहीं देखने वाला है। एलिवेशन को हर कोई जो भी रेफर करता है एलिवेशन को देखता है, प्लान को कोई भी नहीं देख पाता है, वो एक या तो हमारे प्रधानमंत्री देख सकते हैं या फिर ऊपर नासा वाले देख सकते हैं। तो उसमें आपको नहीं माइंड लगाना है, आपको एलिवेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपने कोई भी एक सिंपल फॉर्म ले ली, उसमें आप स्टार्ट करिए अपनी रिक्वायरमेंट्स पुट करना कि उसमें होता क्या क्या है। अब मैं एक छोटा सा एक क्लिनिक के बारे में बात करता हूँ। अगर मुझे क्लिनिक डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि उसमें एक रिसेप्शन होना चाहिए, रिसेप्शन मैंने एक डाला उसके अंदर, फिर एक डॉक्टर का कैबिन हो, फिर नर्सेस का एक कैबिन अलग,
फिर एक पेशेंट को रखने का कैबिन अलग, तो ये तीन चार जितने भी कैबिन हैं मैंने उनको रिक्वायरमेंट्स में डाले। अब मुझे क्या देखना है, अब जब कई बार क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट्स तो डाल देते हैं बट गवर्नमेंट उसको उनको अलाउ नहीं करती, फेल कर देती है, तो इसीलिए अब मुझे स्टैंडर्ड से उनको मैच करना है, कंपेयर करना है कि मैंने कितना उनको डिज़ाइन किया है, कितना अपने डिज़ाइन में उनको फॉलो किया है, जितने भी स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं। अब स्टैंडर्ड हमने कोड डाल दिए, अब उसके बाद हमें क्या करना, अब हमारा फाइनल नहीं हुआ ये डिज़ाइन, अब हमें चेक करनी सर्कुलेशन। अब कई बार क्या होता है कि हम अपना डिज़ाइन तो बना लेते हैं, अच्छा भी लगता है, हमारी तरफ से पूरा 100% है दिया है हमने और सब कुछ ठीक ठाक है, टीचर हम सोचते हैं कि टीचर्स के पास जाएंगे और वो खुश हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, हमें सर्कुलेशन चेक करनी होती है। सर्कुलेशन में बहुत गड़बड़ी होती है कि कई बार क्या चीज़ कोई चीज़, अब रिक्वायरमेंट्स में तो ये कह दिया कि हाँ एक कंपाउंडर का कैबिन होना चाहिए, हमने कंपाउंडर का कैबिन दे दिया, अब उस क्लिनिक में मैंने कंपाउंडर का कैबिन कहाँ दिया, एकदम लास्ट में बैकग्राउंड में, अब ये तो गलत नहीं हुआ, स्टैंडर्ड ने तो बोल दिया कि हाँ एक कैबिन होना चाहिए कंपाउंडर का अलग, वो तो मैंने दे दिया, बट सर्कुलेशन तो देखिए, अगर डॉक्टर को जरूरत पड़ेगी या किसी पेशेंट को तो वो कैसे आएगा बाहर, सबसे लास्ट में से कैसे आएगा, तो ये सारी सर्कुलेशन कैसे, मूवमेंट कैसे हो रही है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई आपने ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया जो चलने में दिक्कत आ रही है, कुछ रास्ते में आ रहा है वो, तो ये सारी चीज़ें देखनी है और इसको करना, और आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको डिज़ाइन समझने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कोई चीज़, तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय।